हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस फॉर्म डिज़ाइन को बनाने वाला हूं। देखिए, इस तरह का फॉर्म दिख रहा है। इस पर ओवर करेंगे तो कुछ और कलर देखने को मिल रहा है। तो आज मैं इसी फॉर्म को आज मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए, नोटपैड प्लस प्लस में मैं हूँ, इसी में कोडिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक डिप टैग लीजिए इस तरह से, और डिप टैग को क्लोज कर दीजिए, और इसमें आप एक क्लास दे दीजिए इसके पहचान के लिए। तो इसमें क्लास मैं दे देता हूँ फॉर्म बॉक्स इस तरह से, और इस डिप के अंदर आप एक H2 लीजिए इस तरह से, क्योंकि H2 में आप इस टेक्स्ट को लिखेंगे लॉगिन टू योर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से और इसमें इसको लिख दीजिए, और इसमें आइडेंटिटी के लिए इसमें कोई क्लास दे दीजिए। तो इस तरह से मैं इसमें क्लास दे रहा हूँ हेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आप H2 के बाद आप फॉर्म टैग को स्टार्ट कर ले इस तरह से, और यहाँ से फॉर्म को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें इनपुट टैग स्टार्ट कीजिए, और इसी तरह XML के रूल के अनुसार इसको क्लोज कर दीजिए। और इसमें सबसे पहले आप टाइप दीजिए, और टाइप में आप टेक्स्ट दे दीजिए। और देखिए, ये जो यहाँ पे फॉर्म दिए हैं, फॉर्म में आप नेम दे दीजिए एक आइडेंटिटी के लिए, जैसे मैं नेम दे रहा हूँ साइन अप इस तरह से। और जो पहला इनपुट है, इसमें टाइप में टेक्स्ट रहेगा, और नेम में मैं देता हूँ फुल नेम इस तरह से, फुल नेम रहेगा। और इसका क्लास भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, तो मैं इसका क्लास दूंगा इनपुट फील्ड। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसमें क्लास देता हूँ इनपुट फील्ड, और इसमें प्लेस होल्डर भी डिफाइन करता हूँ इस तरह से, और प्लेस होल्डर में लिखता हूँ फुल नेम इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फुल नेम को लिख दिया। इसके बाद इसी को आप कॉपी कीजिए इस तरह से। अगर आप बिगनर है तो आप कॉपी नहीं कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा इस तरह से। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और देखिए फिर जो है इसको मैं टाइप में ईमेल कर देता हूँ इस तरह से, इसमें ईमेल। और जो यहाँ पर नेम है, नेम में भी ईमेल कर देता हूँ। और क्लास जो है क्लास इनपुट फील्ड क्लास रखेंगे, और प्लेस होल्डर में खाली चेंजेस कर देते हैं। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ इस तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है। उसके बाद वेबसाइट के लिए बनाते हैं, तो यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। और टाइप में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अब मैंने HTML में आपको बताया था। अगर आपको वेबसाइट के लिए इनपुट फील्ड बनाना है, तो आपको टाइप के वैल्यू में URL लिखना होगा, और नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो नेम में URL दे देता हूँ, और क्लास में आप वही दे दीजिए। और देखिए, इसमें इनपुट फील्ड में लिखा है वेबसाइट, तो आप यहां से फुल नेम को रिमूव करके आप यहां से वेबसाइट लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक इनपुट टैग लिखिए बनाइए, और इसमें आप सेंड मैसेज लिखिएगा। तो आप यहां से इसको टेक्स्ट एरिया से बनाइए, क्योंकि ये आपको मैसेज प्रेजेंट करना है। तो यहां से आप टेक्स्ट एरिया लिखिए, और टेक्स्ट एरिया को इस तरह से आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर जो आपको मैसेज के लिए फील्ड बनाना है, तो आप टेक्स्ट एरिया के माध्यम से ही बनाइएगा। इसे बहुत अच्छा मतलब आपको एक आइडेंटिफाई हो जाता है ब्राउजर के लिए। तो आप इस टेक्स्ट एरिया से ही आप मैसेज के लिए बनाइएगा। इसके बाद क्लास में आप कोई भी क्लास दे दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ मैसेज, और एक और क्लास इसमें दे रहा हूँ इस तरह से इनपुट फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें प्लेस होल्डर डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, और प्लेस होल्डर में मैं मैसेज डिफाइन कर देता हूँ, मैसेज टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और जो और आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैसेज के बाद इस तरह का बटन,
तो बटन टेक के माध्यम से ये नहीं बना है, ये इनपुट के ही माध्यम से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के वैल्यू में आपको सबमिट देना होगा तभी वो बटन के रूप लेगा। देखिए सबमिट मैंने दे दिया और वैल्यू में मैंने सेंड लिख लेता हूँ, सेंड मैसेज इस तरह से। और सेंड मैसेज लिखने के बाद इसमें मैं कोई कस्टम क्लास वैल्यू देता हूँ इस तरह से, और उसका नाम मैं नाम दूंगा BTN। ठीक है, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये जो बटन है, आपने टाइप के वैल्यू इसमें दिया है सबमिट, बट वैल्यू में जो आपने लिखा है सेंड मैसेज वो आपको एज ए टेक्स्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में डिजाइन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं इंटरनल स्टाइलशीट का ही उपयोग करूँगा। तो आप हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग को स्टार्ट कर लीजिए और स्टाइल टैग को क्लोज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इसमें बैकग्राउंड का कोडिंग कीजिए, मीन्स बॉडी का। तो बॉडी टैग लिखिए और बॉडी टैग में सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर को ही डिफाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर को डिफाइन कर लेता हूँ और आप हेक्स कोड लिख लीजिए, जो मैं यहाँ से हेक्स कोड लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से हेक्स कोड को लिख दिया, यहाँ से मैं सेव करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए इसी तरह का बैकग्राउंड आपको मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस तरह का हम लोग को बॉक्स बनाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं और बॉडी के बाद हम लोग फॉर्म बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। फॉर्म बॉक्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं CSS का कोडिंग लिखता हूँ। सबसे पहले विड्थ दे दीजिए आप 500 पिक्सल, उसके बाद इसमें आप दे दीजिए फॉन्ट फैमिली इस तरह से, और फॉन्ट फैमिली में आप एरियल दे दीजिए इस तरह से एरियल। और एक और अगर फॉन्ट आप देना चाहते हैं तो कोमा के साथ एक और फॉन्ट इसमें डिफाइन कर सकते हैं, तो वो इसमें लागू हो जाएगा। इसके बाद आप वो इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो डिफाइन कर लीजिए। तो बैकग्राउंड कलर वाइट लिखिए, तो वाइट का हेक्स कोड आप लिख दीजिए, या सिंपली आप कलर का नाम वाइट दे दीजिए। उसके बाद आप मार्जिन का उपयोग कीजिए और मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो। ठीक है, ये लिखने से क्या होगा, देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मार्जिन ऑटो का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट और राइट से तो सेंटर में जाएगा, जो आप 50 पिक्सल लिखे ऊपर से टॉप से वो 50 पिक्सल नीचे आपको मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन आपने दे दिया। इसके बाद हम लोग बॉक्स शेडो का उपयोग करते हैं इस तरह से, बॉक्स शेडो का। और इसमें कुछ बॉक्स शेडो इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से। देखिए 15 पिक्सल में बॉक्स शेडो को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद RGB मोड में मैं बॉक्स शेडो को लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 000, मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, और जो ए है ए का मतलब ओपासिटी। तो आप कितना ओपासिटी देना चाहते हैं, तो मैं 0.2 ओपासिटी देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसमें पैडिंग डिफाइन करता हूँ। तो इस तरह से मैं पैडिंग लेफ्ट राइट बॉटम सभी में मैं 30 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से। सेव करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का आ गया। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपको मैं बॉक्स शेडो के बारे में नहीं बताया हूं। तो यहां से मैं बॉक्स शेडो को रिमूव कर देता हूं और अगले वीडियो से मैं आपको बॉक्स शेडो के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको अच्छी तरह से एक सेपरेट वीडियो में उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए मुझे इस तरह से इसको कन्वर्टेड करना है। तो आपका जो ये डिप है, ये डिप का कोडिंग आपने कर लिया। उसके बाद हेडिंग का आप कोडिंग कीजिए, मीन्स हेडिंग क्या है, ये है आपका H2। तो H2 में क्लास आपने दे दिया है हेडिंग, तो हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए और इसमें पहले आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक नहीं भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप फॉन्ट साइज दे दीजिए 18 पिक्सल इस तरह से,
और जो मार्जिन आप देना चाहते हैं, मार्जिन लेफ्ट आप दीजिए, मार्जिन लेफ्ट होता है -30 पिक्सल आप दीजिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप मार्जिन राइट आप दे दीजिए, -30 पिक्सल ही आप दे दीजिए मार्जिन राइट भी। और उसके बाद आप दीजिए मार्जिन बॉटम इस तरह से, और मार्जिन बॉटम दीजिए 30 पिक्सल। और उसके बाद आप मार्जिन लेफ्ट दीजिए, मार्जिन लेफ्ट फ्रेंड्स तो हो गया है। तो मार्जिन टॉप बचा हुआ है तो मार्जिन टॉप आप -30 पिक्सल डिफाइन कीजिए इस तरह से, तो आपका ये हो गया मार्जिन का काम। उसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट फैमिली भी उपयोग कर लीजिए इस तरह से, आप फॉन्ट फैमिली में आप सेंस सेरिफ उपयोग कर लीजिए इस तरह से, सेंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली हो गया। उसके बाद आप फॉन्ट वेट का उपयोग कीजिए और दीजिए 100। और जो पैडिंग है, पैडिंग आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप 20 पिक्सल ही डिफाइन कीजिए, ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, आपको CSS3 में पढ़ना है। इसके बाद आप बैकग्राउंड कलर का उपयोग कीजिए और इसमें आप हेक्स कोड दे दीजिए, जो मैं हेक्स कोड लिख रहा हूँ तो आप लिखिए 4D इस तरह से। और इसके बाद आप इसमें कलर भी डिफाइन कर लीजिए, तो कलर में आप लिखिए 79 और 79, ठीक है फ्रेंड्स। सेव कीजिए और फिर यहाँ से आप इसको रिप्लेस कीजिए, तो देखिए आपको इस तरह का आपका ये कलर आपको देखने को मिल गया। आप अपनी मर्जी के हिसाब से और भी कलर आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह से बनता है, क्योंकि आप सब मेथड प्रॉपर्टी जानते हैं बट उसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको मालूम, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपने हेडिंग का वर्क कर लिया। अब जो इनपुट फील्ड, सारे इनपुट फील्ड है और जो टेक्स्ट एरिया, इसको मैं एक ही बार में कोडिंग करता हूँ। तो एक ही बार में कोडिंग करने के लिए क्या करना होगा, जो ये इनपुट फील्ड है इसी को आप सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ ये क्लास लगा हुआ है, जो आप जहाँ जहाँ इसमें क्लास लगा हुआ है और इस क्लास में आप जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग CSS का सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका विद 100% कर देता हूँ, और जो इसका हाइट है, हाइट भी मैं इसका हाइट 45 पिक्सल कर देता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कलर को मैं इनहेरिट कर देता हूँ इस तरह से, और मार्जिन बटन का उपयोग करता हूँ, और मार्जिन बॉटम मैं 10 पिक्सल देता हूँ इस तरह से। और इसका आउटलाइन भी दे देता हूँ कुछ, तो आउटलाइन मैं इसका नॉन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जब इस पर क्लिक करूँगा इस तरह से तो देखिए आउटलाइन आ रहा है, मगर इस पर क्लिक करूँगा तो आउटलाइन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको आउटलाइन को नॉन कर दूँगा और पैडिंग दूँगा टॉप बॉटम राइट लेफ्ट 7 पिक्सल। और इसका जो फॉन्ट, आप फॉन्ट फैमिली भी डिफाइन कर लीजिए, तो मैं इसका फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर देता हूँ एरियल इस तरह से, और एक और भी फॉन्ट फैमिली डिफाइन करता हूँ हेलवेटिक का इस तरह से। और जो फॉन्ट साइज मैं दूंगा, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ही कर देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद बॉर्डर आप नन कर दीजिए इस तरह से, और उसके बाद आप बॉर्डर बॉटम दीजिए 1 पिक्सल सॉलिड शार्प DDD, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप देंगे। और उसके बाद आप बॉक्स साइजिंग दीजिए इस तरह से, बॉक्स साइजिंग का मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि बॉक्स साइजिंग हम लोग किस लिए देते हैं, तो मैं अभी भी बता देता हूँ कि जिसमें आप पैडिंग का उपयोग करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि पैडिंग के माध्यम से बॉक्स का विड्थ एंड हाइट ना बढ़े, तो उसमें आप बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे और उसका वैल्यू आप देंगे border-box इस तरह से। उसके बाद सेव कीजिए और फिर यहाँ आने के बाद इसका रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए क्या हुआ, सभी का विड्थ 100% हो गया। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आउटलाइन नहीं आएगा, और जब बॉर्डर नॉन किए हैं तो उससे क्या होगा,
कि इनपुट का चारों एरिया का बॉर्डर नॉन हो जाएगा, बट जो आपने मार्जिन बॉटम दिया है उसके माध्यम से आपका जो बॉटम का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग टेक्स्ट एरिया पे काम करते हैं। देख लीजिए ये जो टेक्स्ट एरिया है, मैं इस पे काम करूँगा। देखिए यहाँ पे वो नहीं है डिसाइजर और यहाँ पे आ रहा है, तो चलिए इसको भी मैं कोडिंग कर देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया, तो सिर्फ आप यहाँ से टेक्स्ट एरिया डायरेक्टरी एलिमेंट सेलेक्टर का उपयोग कीजिए और इसमें ओवर प्रो का उपयोग कीजिए इस तरह से, और ओवर प्रो आप हिडन कर दीजिए। और उसके बाद आप रिसाइज, आप एक प्रॉपर्टी होता है इस तरह से रिसाइज, और रिसाइज में आप नन कर दीजिए। पर देखिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा रिसाइज पर, क्योंकि देखिए अगर आप रिसाइज देंगे, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए अगर आप रिसाइज देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको मेथड मिलेगा कि इसको आप कम या ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ से मेथड मिलेगा। बट यही आप रिसाइज नॉन कॉल देंगे और यहाँ से मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो करूँगा, तो यहाँ से जो आपका रिसाइज करने के लिए आता था वो आपको यहाँ से नॉन हो जाएगा। तो इसके लिए ही आप टेक्स्ट एरिया में रिसाइज प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे और वैल्यू नॉन देंगे। बट ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बटन का जो ये बटन है, बटन को भी हम लोग डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। तो आप बटन में क्लास क्या दिए हैं डॉट बीटी इस तरह से, और इसमें आप कोडिंग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इसमें पैडिंग का उपयोग कीजिए इस तरह से। तो पैडिंग लेफ्ट आप 80 पिक्सल दे दीजिए इस तरह से, और आप पैडिंग राइट भी आप 80 पिक्सल दे दीजिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पैडिंग टॉप दे दीजिए 8 पिक्सल का इस तरह से, और उसके बाद आपको पैडिंग बॉटम का भी उपयोग कीजिए और इसका वैल्यू दीजिए 8 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद बॉक्स शेडो आपको देना नहीं है, क्योंकि बॉक्स शेडो मैं आपको एक बताऊंगा कि उसे क्या होता है। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर इसमें दे दीजिए, तो बैकग्राउंड कलर देना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसका कलर कुछ कोई डिफरेंट है, तो मैं इसमें बैकग्राउंड कलर हेक्स कोड दे देता हूँ। तो आप हेक्स कोड को नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं हेक्स कोड लिख रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए हेक्स कोड भी मैंने लिख दिया। उसके बाद इसमें आप बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का उपयोग कीजिए और 1 पिक्सल सॉलिड, और जो मैं हेक्स कोड बताऊंगा वो आप यहां से लिख लीजिएगा। तो देखिए यहां से आप हेक्स कोड लिख लीजिए। उसके बाद कलर में आप हेक्स कोड वाइट दे दीजिए, और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज आप 40 पिक्सल कर दीजिए, 14 पिक्सल, और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली को आप सेंसरिफ भी कर दीजिए इस तरह से, सेंसरिफ, और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर दीजिए, मीन्स जो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ये, तो इसको आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म का उपयोग कीजिए, और आप अपर इस तरह से अपर केस का उपयोग कीजिए, सेव कीजिए, और फिर यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए आपको जो इस तरह का कोडिंग है आपको यहाँ पे उसी तरह का कोडिंग मिलेगा। अब क्या करना है कि इस पर ओवर करते हैं तो हल्का सा बैकग्राउंड इसका आता है, उसी तरह इसमें भी आप जब ओवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड आ जाए। तो चलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आप इसमें सूडो क्लासेस या सूडो एलिमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं, तो मैं इसमें सूडो क्लासेस का उपयोग करता हूँ। तो आप इस तरह से बटन लिखिए और सिंगल कोलन दीजिए, अगर आप डबल कोलन दीजिएगा तो आप सूडो एलिमेंट का उपयोग करेंगे। तो आप सिंगल कोट सिंगल कोलन दिए है, तो इसके बाद आप ओवर सूडो क्लासेस का उपयोग कीजिए और इसमें आप बैकग्राउंड कलर का उपयोग कर लीजिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर का उपयोग कीजिए, और कलर कोई गहरा सा कलर इसमें मैं दे देता हूँ इस तरह से।
ठीक है फ्रेंड्स, सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मैं ओवर करूँगा, देखिए इस पे करने पे आ रहा है, बट इस पे करने से करने पर नहीं आ रहा है, तो देखिए कोई कुछ गड़बड़ होगा। तो देखिए ये सही है, तो यहाँ से आप हैट सिंबल का उपयोग नहीं किया हूँ, इसीलिए नहीं आ रहा था। अब देखिए अब आएगा, देखिए अब आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ओवर करूँगा तो हैंड का चित्र आए, जो आपने पिछले वीडियो में कर्सर प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। तो मैं चलिए यहाँ पे उपयोग कर लेता हूँ कर्सर प्रॉपर्टी का, और इसका वैल्यू मैं पॉइंटर दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंटर का मतलब है कि हैंड का चित्र आपको देखने को मिलेगा। देखिए से पकड़ के रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो मेरे को हैंड का चित्र मेरे को मिलेगा। तो देखिए जो इस तरह का था डिजाइन, यहीं पे ये भी आपका डिजाइन मिल गया। तो सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर का वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।